हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश एन सी आर टी क्लास एट का चैप्टर दिस इज जोड़ी स्वान का पार्ट टू इससे पहले पार्ट वन में हम आधा चैप्टर इसका कवर कर चुके हैं तो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड तो एकदम से क्या हुआ कि जब जो जोड़ी जो था वो फ़ोन के एकदम सामने चला गया तो एकदम स्टार्टल्ड हो गया फ़ोन और वो क्या हो गया एकदम से पीछे की तरफ मूव करने लगा फोन लिफ्टेड इट इट्स फेस टू हिज इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इस लिक्विड आइज और फिर उसके बाद वो जोडी को जो है बिल्कुल ऐसे अपनी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी आइज थी लिक्विड आइज बोला गया है जिन्हें फ़ोन की उनसे वो जोडी को स्टेयर करने लगा मतलब वो उसको घूर घूर के देखने लगा स्टेयर करने का मतलब होता है घूर करके देखना इट वाज़ क्विवरिंग इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन जोडी कुड़ नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ मूव क्विवरिंग का मतलब होता है शेकिंग स्लाइटली हल्का हल्का सा हिलना तो जो फोन था वो हल्का हल्का सा हिल रहा था उसने कोई एफर्ट नहीं करा कि वो उठे और वहां से भाग जाए और जोडी भी खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े ही विस्पर्ट इट्स मी लिफ्टेड इट्स नोस सेंटिंग हिम ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेटेड ऑन द सॉफ्ट नेक तो एकदम से विस्पोर करने का मतलब होता है धीरे से कुछ बोलना तो जो जोड़ी होता है वो धीरे से फोन से बोलता है कि ये जो है ये मैं हूँ और उसके जो सॉफ्ट से जो नेक है उसको टच करने लगता है बहुत ही प्यार से उस पर हाथ वो रखने लगता है और काफ़ी ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है डेलिरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली एक्साइटेड बहुत ही ज़्यादा जोड़ी एक्साइटेड हो जाता है कि उसको जो फ़ोन है वो मिल गया है ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज डिसाइडेड ही पुट इज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी और फिर वो उठता है और जो है अपनी आर्म्स को अपने हाथों को बिल्कुल फ़ोन के चारों तरफ रख देता है लाइट कन्वर्जन पास ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टे फिर एकदम से जो है फ़ोन वो थोड़ा शिवर हो जाता है काँप जाता है मगर फिर फिर भी वो हिलता नहीं है वहाँ से वहाँ रुका रहता है ये देखिए इस तरीके से ही स्ट्रोकड इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रू द फोन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट और वो इतने प्यार से उसको उठाता है कि कहीं मतलब इसको कोई नुकसान ना पहुँच जाए मतलब ऐसे कि कहीं कुछ जैसे कि क्ले का कोई भी हो और वो टूट जाए गिरने की वजह से है, कुछ भी तो बहुत ही प्यार से वो फ़ोन को उठाता है इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था एकदम स्मूथ शाइनी सी उसकी स्किन थी और उसमें जो सेंट आ रही थी मतलब उसमें से जो खुशबू आ रही थी वो घास की आ रही थी ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फ़ोन फ्रॉम द ग्राउंड और फिर वो

एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर तो उस जोडी को ये भी डर लग रहा होता है जब वो साइड से निकलेगा जहाँ पर उसकी मदर का जो कैकास पड़ा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो जाएगा घबरा जाएगा या फिर भागने की कोशिश करेगा ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुज हिज़ वे इन टू द थेट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू फाइट दो विद हिज पर्टन फिर वो सोच रहा था जोड़ी कि ऐसे करके भाग जाएगा और मैं इसको फिर दोबारा किस तरीके से पकड़ूंगा और उसको मतलब काफ़ी भारी भी लग रहा था जो फ़ोन है वो पकड़ने में फोन्स लेक्स कॉट इन द बुश एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम तो उसके जो पैर हैं वो bushes में फंस गए थे फ़ोन के और वो खुद अपनी अपनी उससे उठ नहीं पा रहा था जोडी को भी बड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि फ़ोन उससे काफ़ी heavy लग रहा था ही tried टू shield इट्स फेस from prickling vines और जो वो थी ना वाइन्स मतलब जो टहनियाँ निकली हुई थी जिसमें से कांटे थे वो बचाने की कोशिश कर रहा था जोडी पूरी तरीके से फ़ोन को उनसे इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइट हिज हार्ट थम्प्ड विद द मारल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ एम ही रीच द ट्रेल एंड वॉक एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटर सेक्शन विद द रोड होम तो इसमें यह है कि जब जोडी ने उसको फोन को उठा रखा था अपनी गोद में तो उसको डर भी लग रहा था कहीं गहना जाए उसका हार्ट थम्प हो रहा था धड़क रहा था बहुत तेज तेज और उसको बहुत ही खुशी भी हो रही थी मार्वल खुशी हो रही थी कि जो फोन है वो उसके साथ आराम से बैठा हुआ है मतलब उसने जोड़ी को एक्सेप्ट कर लिया है फिर आगे है और फिर मतलब चलते चलते जो है वो रोड पे रोड के इंटरसेक्शन पे पहुंच जाता है उस जगह पर जहाँ से उसका घर पास में था ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डेंटलिंग लेग्स इट वेवर्ड ऑन दैम इट लुकड एट हिम and bleated. तो so, इसमें यह है कि वो जो वो थोड़ा सा थक जाता है फिर उसको नीचे रख देता है थोड़ा सा आराम करने के लिए उसके लेग्स पर उसको बिठा देता है ऐसे करके है इसमें पूरा he said enchanted i will carry you after i get my breath he remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried तो so, उसको फ़ोन से वो बोलता है जो डी कि मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ फिर मैं तुमको उठाऊँगा फ़ोन से बोल रहा होता है फिर एकदम से उसको याद आती है कि जोडी को याद आती है कि जोडी के फादर ने उनसे का, उसे कहा था कि अगर फ़ोन को एक बार गोद में उठा करके चलाया जाए फिर उसके बाद जो फ़ोन है वो खुद ही आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगा उसे फिर लगा कि शायद करने लगे तो वो ट्राई करता है ही स्टार्टेड अवे स्लोली द फ़ोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम came back to it and stroked it and walked away again it took a few wobbling steps toward him and cried पीचियसली फिर वो जो है एकदम से उसको छोड़ता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो ऐसा लगता है कि फ़ोन पहले आएगा पर फिर, फिर लगता है कि वो नहीं आ रहा है फिर वापस जाता है और फिर अपने साथ लेकर आता है इट वॉज़ विलिंग टू फॉलो हिम मतलब फिर उसको समझ आ जाता है कि जो फ़ोन है वो उसको वाकई में साथ में जोड़ी के जाना चाहता है इट बिलोंग टू हिम इट वॉज हिज ओन ही वॉज लाइट हार्टेड विद हिज जॉय अब उसको बड़ी खुशी हो जाती है जब जोड़ी के पीछे पीछे आने लगता है फ़ोन जो भी खुश हो जाता है कि अब ये मेरा है ये मेरे को बिलोंग करता है ये मेरा अपना है उसका दिल जो है और दिमाग हल्का हो जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट टू रन एंड रोम विद इट टू कॉल टू इट एंड कम टू हिम फिर उसको लगता है उसके साथ वो खेले और उसके आगे पीछे भागे और वो फिर उसके पास आ जाए फ़ोन जो है वो ये सब चीज़ें फिर चाह रहा होता है ही डेयर नॉट अलार्म इट फिर मगर फिर भी वो उसको क्या है एकदम से डराना नहीं चाहता है फिर वो उसको एकदम से उठा लेता है अपनी गोद में और फिर एकदम से उसको ऐसे लगने लगता है जैसे कि बिना किसी एफर्ट के ही वो उसको आराम से उठा पा रहा है हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन मगर फिर उसको लगता है कि मतलब आराम से उठा पा रहा है बट थोड़ा सा चलने के बाद उसके हाथों में फिर से दर्द हो जाता है और फिर उसे फिर रुकना पड़ता है ही वॉकडाउन द फोन फॉलोड हम एडवांस फिर वो आगे बढ़ता है और फिर इस बार एकदम से ही फ़ोन उसको मतलब उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटल डिस्टेंस दैन पिक अप अगेन फिर वो थोड़ा ऐसे ही चलता है फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन को फिर गोद में उठा लेता है डिस्टेंस होम वॉज नथिंग ही कुड है वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरियंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो फिर उसको ऐसा लगता है कि घर का दूरी कुछ भी नहीं है उसको इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो तो पूरा दिन उसके साथ ऐसे फोन के साथ घूम सकता है उसको उठा के या फिर उसके फिर साथ चल के ही वॉज़ वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज बू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम और फिर जो जोडी है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ गया होता है स्वेट का मतलब पसीना होता है मगर फिर हल्की सी हवा चलती है जून की सुबह की जिससे वो उसको फिर से अच्छा लगने लगता है ठंडा सा उसको फील होने लगता है द स्काई वॉज एज क्लियर एज अ स्प्रिंग विंटर इन अ ब्लू चाइना कप फिर मतलब वो है मैचफर है कि स्काई बहुत ज़्यादा साफ था विंटर मतलब सॉरी वाटर ऐसा था जैसे स्प्रिंग वाटर जैसे बहुत ही ठंडा सा पानी रखा हुआ हो किसी चाइना कप में मतलब मिट्टी के बर्तन में ही केम टू द क्लियरिंग इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन मतलब वही है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि रात की बारिश के बाद बहुत ही अच्छा सा मौसम सब हो गया हो ही फम्पल्ड विद अ लॉज एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट और फिर वही मतलब आगे आगे चल रहा होता है फिर बीच में थक जाता है फिर फोन को बिठाता है फिर, है, फिर है फिर उठाता है फिर चलता है फिर ये आइडिया कि मतलब वो पेन मतलब पैदल पैदल चढ़ के जा सकता है इन टू पैनीज बेड बेडरूम विद अ फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम फिर उनको लगता है कि वो घर जाएगा फिर जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे पैनी के मतलब उसके फादर के बेडरूम में पहुँचेगा ये सोच के बड़ा अच्छा लग रहा होता है जोड़ी को बट एट द स्टेप्स द फोन बैकल्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम ही पिकड इट अप एंड वेन टू हिज फादर पेनी ले विथ क्लोज आइज फिर जब वो घर पहुँच जाते हैं तो एकदम से जो फ़ोन होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पाता है तो वो फ़ोन को गोदी में उठाता है जोडी और अपने फादर के रूम में चला जाता है तब जो पैनी जो उसके फादर थे वो लेटे हुए होते हैं अपनी आइज को बंद करके जोडी कॉल्ड पालुक जोडी अपने पापा से कहता है पापा देखिए पेनी टर्नड इज हेड जोडी स्टूड बिसाइड है द फोन क्लच इट हार्ड अगेंस्ट है तो जैसे ही उसके जो पेनी होते हैं उसके फादर जोडी के उनकी आँख खोलते हैं वो देखते हैं जोडी उनके साइड में खड़ा हुआ है और उसके पास एक फोन है जो बिल्कुल उसको जोडी को जिसने मतलब उस फोन ने जोडी को क्लच बिल्कुल हार्ड बहुत तेजी से पकड़ा हुआ होता है इट् सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज़ वर एज ब्राइट एज द फ़ोन ही सेट आई एम ग्लैड टू फाइंड हैम आई एम ग्लैड यू फाइंड हेम तो उसके फादर देखते हैं कि कितनी ज़्यादा दोनों की आइज चमक रही होती हैं खुशी से और वो बोलते हैं अपने बेटे से कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुमने इसको ढूंढ लिया जोडी देन वेंट टू द किचन द फ़ोन वॉ वल्ड आफ्टर हैम तो जोडी फिर उसके बाद किचन में जाता है और फोन जो है उसके पीछे पीछे जाता है अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिक्सट इन द किचन सेफ तो सुबह सुबह जो दूध का दूध जो होता है वो किचन में रखा हुआ होता है क्रीम हैड ऑन इट ही स्किम्ड द क्रीम इन टू ही पोर मिल्क इन टू अ स्मॉल गार्ड ही हेल्ड इट आउट टू द फिर जो किचन में दूध रखा होता है उसमें से क्रीम हटा करके और जो दूध है वो फोन को दे देता है जो डी इट बटर्ड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर और फिर एकदम से जो है वो जो जो फोन है वो उसको पी जाता है और ध्यान से कि मतलब नीचे ना करे ऐसे करके ही dipped हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट them इन टू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ इट greedily. ग्रीडली वेन ही विड्रू it इट ब्लीडेड फिनेटिकली एंड बटर्ड हिम मतलब वही है कि वो एकदम से फटाफट जो है फोन बिल्कुल दूध को वो पी जाता है ही टिप्ट हिज फिंगर अगेन एंड एज द fawn sucked, ही लोअर डैम स्लोली इन टू द मिल्क तो अपनी फिंगर से उसको पिला रहा होता है और जो वो है fawn वो बहुत ही जल्दी जल्दी पी रहा होता है द fawn ब्ल्यू एंड sucked एंड snorted, इट्स It stamped इट्स स्मॉल हुफ्स impatiently। फिर मतलब वो बहुत ही फटाफट फटाफट दूध को पी रहा होता है हुफ्स होते हैं जो नीचे पैर होते हैं इन लोगों के पैर में कट्स होता है ना जैसे बीच में डिवीजन होता है पैर के तो उसको हूफ कहते हैं तो अपने हुफ को मतलब वो स्टैम्प कर रहा होता है तेज तेज मतलब मार रहा होता है ज़मीन पर एज लॉन्ग एज ही हेल्ड इज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट तो जैसे वो उसको पिला रहा होता है दूध अपने फिंगर्स से तो जो फॉन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस टाइम पर इट क्लोज इज आईज ड्रीमिंगली इट वॉज एस्केसिटी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिट्स हैंड तो उसको ज्योटी को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जो टंग उसको लगा रहा होता है उसकी फिंगर पर दूध पी रहा होता है बहुत अच्छा फील हो रहा होता है ज्योटी को इट्स अ स्मॉल टेल फिकर्ड पैक एंड फर्थ द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन अल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग तो बिल्कुल अपनी जो पूछ है वो हिला रहा होता है दूध को पीते हुए और फिर जो पूरा का पूरा मिल्क जो है उस कटोरे में से वो बिल्कुल फोम बना के और एंड तक क्या है बिल्कुल ख़त्म कर देता है उसको तो ये हमारा अब चैप्टर हो गया है फाइनली पूरा कंप्लीट थैंक यू